भीषण ठंड की चपेट में उत्तर भारत, कोहरे और गिरते तापमान ने किया लोगों का बुरा हाल। कोहरे के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड और कोहरे का सितम जारी है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में अगले 5 दिन तक घना कोहरा रहने की संभावना जताई है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान लगाया गया है। भीषण ठंड के चलते नोएडा समेत पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में 29 से और 30 दिसंबर की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। नोएडा के अलावा भी कई जिलों में अगले 2 दिन जबरदस्त कोहरे और ठंड के चलते स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते कई फ्लाइट डाइवर्ट की गई हैं और कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। उत्तर भारत के कई हिस्सों में गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी कोहरा छाया रहा। दिल्ली NCR में गुरुवार रात सर्द हवाओं के साथ कई इलाके धुंध की चपेट में आ गए। कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण गुरुवार को भी कई सड़क हादसे हुए। घने कोहरे के चलते गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाली करीब 60 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। वहीं 134 फ्लाइट्स और 22 ट्रेनें लेट हुई। IMD के मुताबिक अभी आने वाले कुछ दिन और UP, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बेहद घना कोहरा छाया रहेगा। यदि बात की जाए बीते गुरुवार की, तो गुरुवार को पटियाला, अम्बाला, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पालम, बरेली, लखनऊ, वाराणसी और ग्वालियर में विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम रही। आने वाले कुछ दिनों में हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए बहुत घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई है। IMD ने घने कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 30 और 31 दिसंबर को हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। इतना ही नहीं, 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक UP, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में ठंड का सितम कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में लोगों को लगातार ठंड से बचने की सलाह दी जा रही है। ठंड के साथ साथ कोहरे ने भी लोगों का जीवन मुश्किल कर रखा है। ऐसे में जरूरत है कि यदि सड़क पर निकला जाए तो पूरी सावधानी बरती जाए, ताकि अनचाहे सड़क हादसों से अपनी भी और दूसरों की भी रक्षा की जा सके। हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।